नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं डेली RRB NTPC 2019 के लिए मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख रहे हो, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 5000 प्लस क्वेश्चन की धमाकेदार सीरीज, जो TCS के नए पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन होंगे। यानी कि जो लेटेस्ट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे के, उसी पैटर्न पर आधारित ये सीरीज होगी। तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम डेली आपके लिए 20 से 30 क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हम एग्जाम तक 5000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का टारगेट पूरा करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और आगे भी इसी सीरीज में हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न अपना है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन किस देश में होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन जो है वो जापान के टोक्यो शहर में होगा। नेक्स्ट है, भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है। जैसा कि आपको बताया, 2019 में नया मंत्रिमंडल बना है, तो मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन कन्फर्म समझ लीजिए रेलवे में। तो हम भारत के वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री की बात करते हैं, तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को हर वर्ष मनाया जाता है, आपको पता है, लेकिन एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2019 की थीम क्या थी। तो थीम याद रखना, बीट एयर पोल्यूशन। 2019 की थीम थी बीट एयर पोल्यूशन। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। प्रथम भारत के अंदर, प्रथम विश्व के अंदर, प्रथम से एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश थी मीरा साहिब फातिमा बीबी। नेक्स्ट, भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, सुनामी शब्द का उद्गम किस देश से हुआ है। तो सुनामी शब्द का उद्गम जो है वो जापान देश से हुआ है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी। तो दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी वैलेंटिना टेरेश्कोवा। और वैलेंटिना टेरेश्कोवा दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी। यदि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री पूछे तो वो है कल्पना चावला। नेक्स्ट है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष हैं डॉक्टर विक्रम साराभाई। वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान अध्यक्ष है डॉक्टर के सिवान। इसरो से रिलेटेड एक करंट अफेयर और भी है कि 15 जुलाई को जो है वो चंद्रयान 2 श्रीहरिकोटा से वो प्रक्षेपित करने जा रहे हैं। तो ये भी आप याद रखना, श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित करेंगे चंद्रयान 2। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पहले भारतीय कौन थे। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जनगणमन जो अपना राष्ट्रगान है वो लिखा था। नेक्स्ट है, नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है। तो नोबेल म्यूजियम जो है वो स्टॉकहोम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर कहाँ स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अंदर जो है वो त्रिवेंद्रम में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा। इसमें याद रखना, आपको कल्पना चावला और राकेश शर्मा दोनों ऑप्शन में मिलेंगे, लेकिन इन दोनों में जो पहले भारतीय हैं वो है राकेश शर्मा। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो ब्लैक होल सिद्धांत की खोज की थी एस चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट है, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। यानी कि विश्व में सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाली महिला कौन थी, वो थी एस भंडार नाइके, और ये श्रीलंका की थी। नेक्स्ट है, भारतवर्ष में एसटीडी सेवा कब से शुरू हुई। तो 1960 से भारत में एसटीडी सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है। इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। ये काफ़ी कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन हो सकता है कि इंडिया हाउस है वो इंडिया से बाहर नहीं हो सकता, लेकिन इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर जाने वाले पहला व्यक्ति कौन था। तो चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रांग। नेक्स्ट है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो तजाकिस्तान की राजधानी है वो है दुशांबे। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2023 की मेजबानी जो है वो भारत करेगा 2023 में। नेक्स्ट है, किस देश ने विश्व को सबसे पहले लिखित संविधान दिया था। तो अमेरिका जो है वो, अमेरिका ने विश्व को पहला लिखित संविधान दिया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है वो सिकंदरा में स्थित है। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का लाल किला जो है वो शाहजहाँ ने बनवाया। नेक्स्ट, आर्य भारत में किस रूप में आए थे, यानी कि कौन सा रूप धारण करके आए थे। तो आर्य जो है वो भारत में आक्रमणकारी बनकर आए थे। नेक्स्ट है, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति याद रखना जॉर्ज वाशिंगटन।
नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है, लोकसभा के प्रथम स्पीकर कौन थे? लोकसभा के प्रथम स्पीकर थे गणेश मावलंकर। और लोकसभा के वर्तमान स्पीकर की बात करें तो लोकसभा के वर्तमान स्पीकर हैं ओम बिड़ला। राजस्थान की कोटा बूंदी जो लोकसभा सीट है उससे हैं वो सांसद हैं बीजेपी के ओम बिड़ला, जो निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये दिन मनाया जाता है, युवा दिवस। नेक्स्ट है, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब भी रेलवे की एग्ज़ाम हो एनटीपीसी की, उससे पहले के 2 महीने के प्रत्येक दिवस आपको पूरे याद करने हैं। एग्ज़ाम में कन्फर्म उसी से एक दिवस पक्का पूछा जाता है। तो नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रपति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? देखिए, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। नेक्स्ट, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, 20वां सार्क शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कोलंबो में आयोजित किया जाएगा, जो श्रीलंका के अंदर स्थित है। तो दोस्तों, कैसे लगे आज के अपने क्वेश्चन? कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चन चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, और कैसे लगे क्वेश्चन वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।